हे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप क्या है और आप इसमें अपनी करियर कैसे बना सकते हो। और हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज के बारे में जिसमें आपको एक भी पैसे नहीं देने होंगे। और आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हो तो इसमें आपको 20 से 30 हज़ार रुपये एटलीस्ट पे करने होते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के ऑफलाइन कोर्स करते हो इसके लिए आपको लाखों रुपए पे करने होते हैं। बट आपने बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियो देखा होगा जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को प्रमोट करते हैं। अगर आप उस कोर्स को करते हो तो इसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। बट मैं बताऊँगा किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हो। और हम बात करेंगे फोटोग्राफी के बारे में, फोटोग्राफी के स्कोप क्या हैं और आप इसमें करियर कैसे बना सकते हो, फोटोग्राफी में फ्री कोर्सेज आप कैसे कर सकते हो। इन शॉर्ट मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊं तो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना या रिच बढ़ाने को डिजिटल मार्केटिंग कहती है, इधर बाई वेबसाइट एड्स, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स। जब आप किसी वीडियोज़ में एड्स देखते हो एक्चुअली में वो डिजिटल मार्केटिंग होता है जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दोस्तों आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए हर कंपनी सर्विस और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। ये एक आधुनिक तरीका है बिजनेस को फैलाने का और अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने का। जब कोई कंपनी नए प्रोडक्ट या बिजनेस को लॉन्च करती है तो उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना ज़रूरी होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके। लेकिन पहले ज़माने में कंपनी मार्केटिंग कैंपेन कर चलाने के लिए टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, बैनर का सहारा लेती थी। आज के ज़माने में इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, वेबसाइट एड का इस्तेमाल करती है। दोस्तों आज दुनिया में टोटल 18 बिलियन मोबाइल यूजर हैं। वर्ल्ड वाइड आप किसी भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना है, आप उसे ईजीली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट कर सकते हो। जब आप टीवी देखते हो उसमें बहुत सारे एड्स आते हैं बट आप उसे क्लिक नहीं कर सकते। बट इसी एड्स को आप किसी अदर प्लेटफॉर्म में देखते हो, वीडियोज फॉर्म में देखते हो तो आप इजीली उसे क्लिक करके उनकी वेबसाइट तक पहुंच सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन सब में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा जब भी आप एक अच्छे जॉब पा सकते हो। दोस्तों इन सब के लिए आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ईमेल मार्केटिंग टोटली इंग्लिश पर डिपेंड करता है। इंडिया 2020 में ऑलमोस्ट 700 बिलियन इंडियन रुपीज एडवर्टाइजिंग में खर्च किया जो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट बन चुका है। आज की डेट में सारी चीज़ें डिजिटली होता जा रहा है। दोस्तों अगर डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको एक अपनी स्किल्स को अच्छा करना होगा, जब भी एक आप अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहती हो तो आपको अपनी लाइफ में एटलीस्ट 3 मंथ देना होगा। मिनिमम 1 मंथ में आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। आप इसे 2 से 4 दिन में अपनी मॉड्यूल को ख़त्म कर सकते हो बट आपको एक्सपर्ट बनने के लिए टाइम देना होगा। दोस्तों आप डिजिटल मार्केटिंग से महीने के लाखों के रुपये कमा सकते हो बट आपको सही स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए। आपको अपने स्किल्स को यूज करने आना चाहिए। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग से लोग लाखों रुपये कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक इंस्टाग्राम पोस्ट को डालने के लाखों रुपये लेते हैं। दोस्तों आप भी उनमें से बन सकते हो। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोर्स कर सकते हो और आप इसमें सर्टिफिकेट भी ले सकते हो जो आप अपनी CV और रिज्यूमे का वेटेज बढ़ा सकते हो, एक अच्छी जॉब पा सकते हो। दोस्तों आप बात करते हैं किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज कर सकते हो। इसके लिए आपको टाइप करना है learnone.com, जिसमें आपको ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है। आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाता है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो जिस भी कोर्सेज को आप करना चाहते हो, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, MS वर्ड के कोर्सेज कर सकते हो, MS एक्सेल के कोर्स कर सकते हो। कहीं भी किसी कोचिंग में आप MS एक्सेल करते हो तो 2 से 3 हज़ार रुपये आपको मिनिमम लगते हैं। या फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हो या इनके बारे में सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग में आपको कोर्सेज करना है, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे मॉड्यूल्स यहाँ खुल गया है, 31 आवर्स का टोटल वीडियो है एंड 102 आर्टिकल्स। इसमें फुल लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ सारी चीज़ चेकआउट कर सकते हो, सारे वीडियोज आप से देख सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन दिया जाएगा जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक चीज़ों सिखाया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू यूज फोरम्स टू आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फंडामेंटल ऑफ गूगल एडवर्ड्स,
कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएगी। एंड लिंक्डइन मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, गाइस फेसबुक एड्स कैसे आपको चलाने हैं, फेसबुक एड्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। हाउ डू आई गेट फेसबुक एड्स मैनेजर इन डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डज फेसबुक एड्स मैनेजर वर्क इन डिजिटल मार्केटिंग, किस तरीके से फेसबुक एड्स काम करता है, किस तरीके से उनको आपको करना है, एंड ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फाइनली वीडियो में मार्केटिंग भी आपको सिखाया जा रहा है, कोरा मार्केटिंग सिखाया जाएगा, किस तरीके से आपको कोरा में मार्केटिंग करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, किस तरीके से आप इंटरव्यू करना है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, किस तरीके से जॉब फाइंड आउट करना है। इनका जो सर्टिफिकेट है काफ़ी ट्रस्टेड है, जो स्किल इंडिया द्वारा सर्टिफाइड है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा है स्किल इंडिया कैंपेन, जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, आपको इसके चार्जेस जो हैं ओनली 499 लगेंगे। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनके मॉड्यूल को सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट आपको सर्टिफिकेट लेना है तो इसके लिए पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने। इसके लिए फ्री में चेकआउट कर सकते हो, सारे मॉड्यूल चेकआउट कर सकते हो। क्लिक हियर टू कंटिन्यू में क्लिक करके आप सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो, राइट। दोस्तों अगर आप बात करते हैं करियर ऑप्शन इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने करियर्स को कैसे ढूंढ सकते हो, इसके लिए आप कई ऐसे वेबसाइट सर्च कर सकते हो, जैसा कि fiverr.com, freelancing.com, upwork.com, naukri.com, ये सारी वेबसाइट है जहां जाके आप सर्च कर सकते हो अपनी जॉब को। सिंपल मैं fiverr.com पे आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप fiverr.com में सर्च कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल चुका है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स को देख सकते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट में देख रहे हो, आई विल मैनेज डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स ऑफ योर बिजनेस, इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1529। इसमें ये कह रहा है कि आपके जो बिजनेस है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, उसमें कैंपेनिंग और सारी चीज़ें वो देखेगा, बिजनेस को मैनेज करने का ये चार्जेस बता रहे हैं 1529। इसमें देख सकते हो, आई विल क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वेबसाइट क्रिएट करेंगे, इसके आप प्राइस उन्होंने रखा है, स्टार्टिंग प्राइस है 3057 रुपीज़। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप सर्च कर सकते हैं। फेसबुक एड्स कैंपेन के बारे में अगर आपको दिखाया तो फेसबुक एड्स कैंपेन से रिलेटेड बहुत सारे आपको जॉब्स मिल जाएंगे। फेसबुक एड्स को रन करना काफ़ी आसान होता है और कम टाइम में आप सीख सकते हो। आई विल बी योर फेसबुक एड्स कैंपेन मैनेजर एंड रन FB एड्स, इनके स्टार्टिंग प्राइस देख सकते हो गाइस आप 3057 है, इनके प्राइस देख सकते हो 2293 है। ये कह रहे हैं कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स सारे आपके कैंपेन करेंगे, तो इनके चार्जेस स्टार्टिंग प्राइस आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी सिंपल है और आप कर सकते हो, इनके काफ़ी ज़्यादा करियर ऑप्शन है। अगर इसके अलावा हम बात करें naukri.com में भी आप सर्च कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब्स इन दिल्ली NCR, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड naukri.com में भी आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे। AIIE टेक्नोलॉजीज का 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है, इसमें सैलरी है 4 lakh to 8 lakh पर एनम। दोस्तों अब बात करेंगे फोटोग्राफी के बारे में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप हॉलीवुड, बॉलीवुड हर जगह पहुंच सकते हो। आपने संदीप भैंसवरी का नाम तो सुना ही होगा, जो आज फोटोग्राफी से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है, जो आज इमेज बाजार के नाम से जाना जाता है, दुनिया का 3rd largest स्टॉक इमेज मार्केट बन चुका है। संदीप महेश्वरी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने 122 मॉडल के 10,000 शॉट 10 आवर्स 45 मिनट्स में लिए थे, जो काफ़ी सरप्राइज करता है, 10 आवर्स में 122 मॉडल्स के 10,000 शूट्स। दोस्तों आप भी इनकी तरह बन सकते हो, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। फोटो हर कोई लेता है, लेकिन इसके सही टैक्टिक्स एंगल पता होना चाहिए। हमेशा अपनी पैशन को फॉलो करो, अगर आपको फोटोग्राफी अच्छा लगता है इसे पार्ट टाइम से फुल टाइम बनाओ। दोस्तों जो पैशन को फॉलो करने में मज़ा है वो किसी में नहीं है। बात करते हैं फोटोग्राफी के फ्री कोर्सेज के बारे में, किस तरीके से आप फ्री कोर्सेज कर सकते हो फोटोग्राफी में। इसके लिए आपको टाइप करना है lynda.com पे जाना है, आपको सेकंड लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ टाइप करना है डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल चुका है, जो फोटोग्राफी के कोर्सेज का टोटल ड्यूरेशन है 18 आवर्स 40 मिनट्स का है। इसमें बहुत सारे आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे, आप सारे मॉड्यूल्स को आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से आपको फोटो को शूट करना है, किस कौन से एंगल से लेना है, सारे टैक्टिक्स को यहाँ बताया गया है, आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। कंप्लीट कोर्सेज कर सकते हो इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हो फोटोग्राफी फाउंडेशन, एक्सपोजर के बारे में बताया गया, किस तरीके से आप सही एक्सपोजर पर आप फोटो को ले सकते हो, और एडवांस फोटोग्राफी फ्लैश क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सिखाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे शूटिंग इन लो लाइट,
लो लाइट पे आप किस तरीके से शूट कर सकते हैं अपनी फोटो को। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाया गया, पूरे कंप्लीट करना है मॉड्यूल को, आपका सारे मॉड्यूल को इसमें कंप्लीट करना है 2 hours 22 minutes का, इस तरीके से सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें, सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार लिंक्डइन पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 month का सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आप जितने चाहे सर्टिफिकेट ले सकते हो। और इनके एडवांस अगर कोई भी चीज़ें देखना है तो वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, बट आपको 1 month का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए। ये सारे जो मॉड्यूल्स होंगे इंग्लिश में होंगे, अगर आप हिंदी में सर्च करना चाहते हो तो आप यूट्यूब में भी ट्राई कर सकते हो। यूट्यूब में एक चैनल है, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है, इंडिया के टॉप फोटोग्राफर में काउंट होते हैं। तो कुणाल मल्होत्रा आपको टाइप करना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कुणाल मल्होत्रा द फोटोग्राफी ब्लॉगर, इस पर आपको क्लिक करना है और इनके आप सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, जैसा कि होम फोटोग्राफी आइडियाज़, किस तरीके से होम फोटोग्राफी शूट करें, ये सारे आइडियाज़ इन्होंने दे रखा है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो, इनके वीडियोस को देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। गाइस अब बात करते हैं करियर इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में आप अपनी करियर को कैसे बना सकते हो, किस तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते हो। कई सारे वेबसाइट है जहाँ अपनी जॉब को आप सर्च कर सकते हो, जैसा कि freelancing.com, upwork.com, fiverr.com, naukri.com जॉब को सर्च कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको fiverr.com में सर्च करा के दिखाता हूँ किस तरीके से आप fiverr.com में जो अपनी जॉब को सर्च करना है। गाइस आप यहां से देख सकते हो आई विल डू एनी फोटोग्राफी जॉब यू वांट, इनके स्टार्टिंग चार्जेस है 1529, मतलब ये कि ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह का फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो मैं खींच सकता हूँ, और जो स्टार्टिंग की चार्जेस है 1529 है। आई विल डिज़ाइन ए फोटोग्राफी वेबसाइट, स्टार्टिंग चार्जेस है 5351 का। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, आप यहाँ से जॉब को सर्च कर सकते हो, उसका मैं आप रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद अपने यहाँ जॉब को सर्च कर सकते हो। गाइस इसके अलावा आप अमेजन में ट्राई कर सकते हो फोटोग्राफी जॉब्स इन अमेजोन। आई विल डू आउटस्टैंडिंग अमेजन फोटोग्राफी, इनके स्टार्टिंग चार्जेस है 14523। अमेजन में भी ट्राई कर सकते हो, खुद को हायर करा सकते हो अमेजन में। अमेजन में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहता है, क्योंकि अमेजन में एक्चुअली जितने सारे आप प्रोडक्ट के फोटो देखते हो तो कोई ना कोई फोटोग्राफर ही शूट किया होता है, तो आप भी इनमें अपनी ट्राई कर सकते हो। अब जितने वेबसाइट मैंने बताया आप यहाँ सर्च कर सकते हो, आप naukri.com में भी सर्च कर सकते हो, जाकर यहाँ से सर्च कर सकते हो फोटोग्राफर जॉब्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो विजुअल कम्युनिकेशन वीडियो फोटोग्राफर प्राइम इन प्रोडक्ट में है, 0 to 1 year एक्सपीरियंस चाहिए, 2,50,000 पर एनम इनकी सैलरी है। इस तरीके से आप अपनी जॉब को सर्च कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।